तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि शिबाइनू के 1 रुपए जाने का सपना कब तक पूरा होगा, कब तक ये कॉइन हमें 1 रुपए तक ज़्यादा दिखाई देगा, कितना समय लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है, क्या क्या चीज़ें इसके इकोसिस्टम में इसे डेवलप करनी होगी तब जाकर इस कॉइन का प्राइस 1 रुपए जा पाएगा। इन सारे सवालों से हमारा क्रिप्टो मार्केट घिरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर इन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब हमें धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉचर गुरु की एक रिपोर्ट में इन्होंने क्लियरली मैंशन कर दिया है कि हाउ लॉन्ग विल शिबाइनू टेक टू 0.01 सेंट, यानी कि $1। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि 1 रुपए जाने के लिए शिबाइनू कॉइन को कितना समय लग सकता है, क्या क्या चीजें इसको अपने इकोसिस्टम के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट, और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबाइनू यानी कि शिब के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंटली शिबाइनू कॉइन अपने प्राइस में 16% की ग्रोथ दिखा चुका है पिछले 1 महीने के अंदर, और यहाँ पर शिबाइनू कॉइन का ग्राफ फिर से अब पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर टोकन की, तो यहाँ पर पूरे मार्केट में ये टोकन अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाता नजर आ रहा है। शिबीरियम का लॉन्च भी इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शिबाइनू कॉइन ऑलमोस्ट 8-10% का ग्रोथ अपने प्राइस के अंदर दिखा चुका है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर होल्डर्स की, तो 1 महीने पहले तक 90% होल्डर शिबाइनू के लॉस में चल रहे थे, लेकिन अब 5% का हमें एक बड़ा डिक्रीमेंट देखने को मिल चुका है एक ही महीने के अंदर, जहाँ पर 85% होल्डर इस समय पर लॉस में चल रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें वेल्स की, तो वेल्स की भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर शिबाइनू की सबसे बड़ी वेल जिसने ऑलमोस्ट 101 ट्रिलियन शिबाइनू टोकन्स को यहाँ पर होल्ड करके रखा है, वो इस समय पर पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रांजेक्शन हमें बढ़ते दिखाई दे रहे हैं इस वॉलेट के अंदर, जिसमें 107 शिबाइनू टोकन्स को सेंड करके यहाँ पर चेक किया गया है कि वॉलेट एक्टिव है या नहीं। ये छोटा सा एक्टिविटी हमें देखने को मिला है, जहाँ पर अब हमें समझ में आ चुका है कि शिबाइनू की एक बहुत बड़ी वेल भी यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। इसी के साथ में जो 1 सेंट का सपना है, वो यहाँ पर हम सभी इन्वेस्टर्स देखते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, लेकिन अगर हम बात करें कि कितना समय लग सकता है इस कॉइन को 1 रुपए तक पहुँचने के लिए, 1 सेंट तक पहुँचने के लिए, तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में भी हमें एक क्लियर नहीं लेकिन एक अप्रोक्सीमेट जवाब मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में इन्होंने क्लियरली मैंशन किया है कि शिबाइनू कॉइन को अगर 1 सेंट तक पहुँचना है, तो इसका मार्केट कैप जो होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 5.8 ट्रिलियन का होना चाहिए, और करंटली अगर हम देखें तो इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन का है, जो कि इस समय पर पिछले 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 6.39% की ग्रोथ दिखा चुका है। दूसरी तरफ अगर अजम्पशन लगाया जाए, तो शिबाइनू कॉइन अगर 25% से भी हर साल ग्रो करता है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 साल का समय लग सकता है इस कॉइन को 1 रुपए तक पहुंचने के लिए। यानी कि केवल यहाँ पर अगर 25% का ग्रोथ इसके प्राइस में हमें हर साल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 साल का समय लगेगा। करंटली जैसा कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट $4.2 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर शिब बर्न की, तो शिब बर्न जैसा कि हम सभी मानते हैं कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा शिबाइनू को 1 रुपए तक पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर करंट सिचुएशन की, जो शिबाइनू की बर्निंग में हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो करंट रेट है वो ऑलमोस्ट 78% है, यानी कि 78% के रेट से यहाँ पर शिबाइनू टोकन्स को बर्न किया जा रहा है। पिछले 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 31 मिलियन शिबाइनू टोकन्स को बर्न कर दिया गया, और यहाँ पर जून के अंदर हमें ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन शिबाइनू टोकन्स बर्न होते दिखाई दिए थे। काफी ज्यादा कम था ये रेशो, इसके कारण ही यहाँ पर शिबीरियम को एक बहुत ही बड़ा एनहेंसमेंट दिया गया है, जहाँ पर 5 ट्रिलियन टोकन्स को यहाँ पर कंसीडर किया गया है कि हर महीने बर्निंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ना सिर्फ बर्निंग बल्कि काफी सारे ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो शिबाइनू को 1 रुपए तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन फैक्टर्स के बारे में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो, या फिर इन्वेस्टर सेंटिमेंट, या फिर यूटिलिटी कॉम्पिटिशन और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस पर भी ये डिपेंड करता है कि शिबाइनू का प्राइस किस तरह से 1 रुपए तक हमें जाता दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबिलिटी पूरी पूरी नजर आ रही है कि शिबाइनू कॉइन कभी ना कभी तो 1 सेंट जाता दिखाई देगा।
अगर बात करें हम बुलरन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलरन आने पर इस कॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को 2021 में टच कर लिया था। और यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये क्लियरली बता रहा है कि कितना ज्यादा डिफरेंस है इसके ऑल टाइम हाई से लेकर तो अब तक, क्योंकि ऑलमोस्ट 91% से ये अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर हम बात करें बुलरन की तो यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड है कि बुलरन में ये कॉइन 1 पैसे तक भी पहुंच जाता है तो आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हम देख सकते हैं कि ये कॉइन 1 रुपए तक जाता दिखाई देगा। तो ये थी हमारी आज की अपडेट शिबाइनू कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरे इस वीडियो ने शिप से रिलेटेड करंटली सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए ताकि हम इसी तरह के वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लाते रहे। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।